नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं रितेश कुमार। तो अगर आप लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं और अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के जो भी लाभार्थी हैं उनको अगर आप लोग THR वितरण करते हैं तो आपके लिए ये अपडेट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो THR वितरण किया जाता है, जैसे कि सूखा राशन के तौर पर चावल, दाल या सोयाबीन जो कुछ भी वितरण किया जाता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये जो बदलाव है वो आपको अगले महीने से यानी जून महीने से ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब THR के बदले यहाँ पे क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं को लाभार्थियों को देना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा और अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, ये जो लेटर है वो बिहार ICDS निदेशालय की तरफ से भेजी गई है, जिसका यहाँ पे आप लोग डेट देख पाएंगे 20/5/2022 और संचिका संख्या है 2352। इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी कि पूरे बिहार में जितने भी 544 परियोजनाएँ हैं उन सभी परियोजनाओं में ये नियम लागू होने वाले हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस लेटर का जो विषय दिया गया है यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों पे दिए जाने वाले पूरक पोषाहार यानी कि THR के संबंध में। नीचे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो पत्र में लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निर्देश के आलोक में पूरक पोषाहार योजना में THR के सूखा राशन के स्थान पर रेडी टू कुक सामग्री देने का निर्णय लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो आप लोग THR वितरण करते हैं यानी सूखा राशन जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं वितरण करती हैं, तो उनके स्थान पर रेडी टू कुक यानी कि बना बनाया हुआ खाना सामग्री जो भी है वो देने का निर्णय लिया गया है। विदित है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक, ये जो पत्रांक संख्या दिया गया है 6/10/2017 के आलोक में पोषाहार का दर एवं मानक निर्धारित है। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरक पोषाहार को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2013 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार नियम 2011 के अनुरूप होना चाहिए। ये जो नियम है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो बदलाव है वो कब से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिखा गया है माह जून 2022 से प्रस्तावित रेसिपी रेडी टू कुक सामग्री का वितरण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और वर्तमान में राज्य की 544 परियोजनाओं में THR सामग्री वितरण करने हेतु अनुलग्न 1, 2 एवं 3 तैयार किया गया है। खाद्यान्न के क्रय का वास्तविक दर का निर्धारण पूर्व की भांति किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है अगले महीने से, यानी कि जो आप लोग THR वितरण करते थे उस स्थान पर रेडी टू कुक जो सामग्री है वो देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं जिक्र किया गया है कि ये जो सामग्री है वो पैकेट में दिया जाएगा या किस प्रकार से दिया जाएगा। आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि पैकेट में सामान मिलेगा या किस प्रकार से मिलेगा, तो अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की गई है। हालाँकि यहाँ पर जो भी डिटेल्स दी गई है यहाँ पे सिर्फ रेडी टू कुक का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे THR के बदले अब यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, अब आपको आगे अपडेट में जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।